अब जिस शख्सियत से मैं आपका परिचय करवा रहा हूं, 7 साल की उम्र में बच्चे क्या करते हैं? 7 साल की उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, वापस घर आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मम्मी पापा से कुछ अपनी जिज्ञासाएं पूछते हैं, छोटी छोटी जो नादानियां शरारते हैं वो करते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास लेने चले जाते हैं, या बहुत कोई शहर में रहते हैं बच्चे तो वो फिर किसी अदर जो एक्टिविटी है जैसे कुछ पियानो सीखना है या कुछ थोड़ा बहुत गेम्स की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन इन सब को परे हटाकर 7 साल की उम्र में एक बच्ची जो एशिया की AYO और लिटिल एथलेटिक्स एंजल बन जाती है वो है पूजा विश्नोई, जो इस समय आप सभी के सामने है। महज 7 वर्ष की उम्र में ये एशिया की फर्स्ट लिटिल एंजल गर्ल है विद 6-pack एब्स, जिसे हम सलमान खान को 40 साल की उम्र में जिन 6-packs के साथ हम देखते हैं वो पूजा ने 7 वर्ष की उम्र में हासिल किए हैं। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई और शरारतों के अलावा कुछ सोच नहीं पाते हैं, उस उम्र के अंदर पूजा बिश्नोई ने इंटरनेशनल मैराथन में गोल्ड मेडल हासिल करने का सपना पाल लिया है। इन्होंने 3 किलोमीटर दौड़ 12.50 मिनट में कंप्लीट की और 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ इन्होंने 48 मिनट में पार करके रिकॉर्ड बनाया। पिता श्रीमान अशोक जी बिश्नोई पैसे से किसान है, माता श्रीमती मीमा देवी गृहिणी है, गांव गुड़ा विश्नोयान जोधपुर राजस्थान से है, बड़ा भाई कुलदीप है वो भी एथलेटिक्स में है। आज ये अपने मामा जी श्रीमान श्रवण जी बूढ़िया जो इनके कोच हैं इनके साथ हमारे बीच में आई है, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं चाहूँगा कि कुछ छोटे छोटे सवाल, आसान से बच्चों के लायक सवाल मैं पूजा से पूछूंगा। तो पूजा बेटे, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप पढ़ते भी हो और उसके साथ में आपने गेम्स की तरफ, एथलेटिक्स की तरफ भी अपना पूरा ध्यान दे रखा है, आप इसको बेटे एडजस्ट कैसे करते हो? कितना ध्यान पढ़ाई पर, कितना गेम्स की तरफ, कैसे एडजस्ट करते हो? गेम्स के अनुसार मेरे मामा वे को सरवण जी बूढ़िया मेरा एक शेड्यूल बनाए रखते हैं, वो उसके अनुसार ही मेरे को वो चीज़ें करनी होती है। मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ, फिर प्रैक्टिस करती हूँ, फिर 7 बजे से स्कूल जाती हूँ, फिर 2 बजे वापस घर आती हूँ, फिर आधा घंटा या घंटा रेस्ट लेती हूँ, फिर 4 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत खूब। पूजा, आपका सपना क्या है? इस छोटी सी उम्र में आप क्या सपना देखती हो? मेरा सपना है कि मैं 2024 ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूं। वाह जी वाह, बहुत खूब। पूजा बेटे, आपने गेम्स कब से स्टार्ट कर दिया था? जब मैं 3 साल की थी तब मेरे मामा वे कोच सरवण जी बूढ़िया साई में रहते थे, तब वो कभी घर आते थे तब मेरे को उन ये भागते थे, तब मैं उनको देखती थी, तब मेरे को लगता था कि मैं भी भागूं। फिर एक दिन उन्होंने मेरे को ग्राउंड के अंदर लेके गए, फिर मैंने वहाँ पे भागा, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने इनको बोला कि मैं भी भागूंगी, तब इन्होंने मेरे को प्रैक्टिस शुरू करा दी। वाह, बहुत खूब बेटे। पूजा बेटे, अब आप जो पीछे पंडाल के गेट के बीच में खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे कृपया आगे आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। पूजा बेटे, अब आप समाज को एक दिशा देने की परिस्थिति में हो, मतलब आपको देखकर दूसरे बच्चे आपसे प्रेरणा ले सकते हैं, तो आप अपनी हम उम्र के दूसरे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हम उम्र के बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप गेम्स के अंदर हो तो गेम्स के अंदर पूरा 100% लगाए, और अगर आप पढ़ाई के अंदर हो तो आप पढ़ाई के अंदर पूरा 100% लगा के आप उन चीज़ को पूरा सफल करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और सबसे बड़ी खुशी की बात समाज के लिए ये भी है कि पूजा बिश्नोई को विराट कोहली, जो कि
नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेटर है, उनका एक विराट कोहली फाउंडेशन है, उन्होंने इनको स्पॉन्सर कर रखा है, तो इनका जो भी खर्चा है या जो भी इनका शेड्यूल है, जो भी इनके न्यूट्रिशंस हैं, इनको किस टाइप से आगे बढ़ना है, किस टाइप से ओलंपिक के लिए इनको तैयार करना है, तो जो भी वित्तीय मदद है वो विराट कोहली फाउंडेशन की तरफ से इस बच्चे को मिल रही है। अब मैं निवेदन करूँगा इनके मामा जी श्रीमान सरवण जी बूढ़िया, जो कि एक एथलीट हैं और साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मान्यता प्राप्त ये एक कोच हैं, आप भी गुड़ा विश्नोयान जोधपुर से है, तो मैं श्रवण जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि एज ए कोच आपने पूजा बेटी में ऐसा क्या देखा कि आपको लगा कि इस बच्ची को हमें इस फील्ड में ही आगे लेके जाना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे सभी विराजमान मेरे भाई बंधु, मेरा मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, आप सभी को निर्णय प्रणाम। और अगर मैं पूजा के अंदर ऐसी कोई चीज़ देखता हूँ, ठीक है, तो सबसे जब हमने खेल पूजा को खेलना स्टार्ट किया था हमने, तब सबसे पहले उसकी ये था कि वो कोई भी चीज़ बहुत ही तेज़ी से कैचअप करती है। मैं उसको बोलता हूँ कि तुझे ये करना है, ठीक है, तो जैसा एक्शन बताता हूँ वो वैसा का वैसा एक्शन, मुझे जब सेकंड अटेम्प्ट होता है तो वो सेम एक्शन मिलता है उसका, ठीक है। तो अगर मैं जब मेरा इंजरी हो गई थी हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम के कारण, तो मैंने खेल को छोड़ दिया अपना, और मैंने जब खेल को छोड़ा था तब मैं 18 साल का था। ओके, 18 साल की उम्र में कोई अपना खेल बनाता है, बिल्कुल, और मैंने उस टाइम अपना खेल को छोड़ दिया। तो 18 साल की उम्र में खेल छोड़ना, पिता मेरे किसान हैं, मेरा एक भाई है वो गूंगा है, उसके अलावा मैं एक अकेला भाई हूँ, तो परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर थी। और जो मेरे पिता हैं उनका यही मन था कि मैं पढ़ूँ, और पिता मुझे पढ़ाने के लिए अच्छी से अच्छी स्कूल्स में, अच्छी से अच्छी कॉलेज में भी दाखिला दिलाया। बट कहते हैं ना, बच्चे का मन अगर स्पोर्ट्स में हो तो इसकी माँ मेरे घर हमारे घर में सबसे बड़ी है, तो बड़ी होती है तो उसकी हर कोई बात मानता है कि कोई भी वो बोलती है तो उसके बात का वजन होता है घर में, ठीक है। तो मैंने जब तैयारी स्टार्ट की तो स्पोर्ट्स में मेरा मन था, तो एक दिन मैं ट्रायल देने गया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। घर वालों को भी पता नहीं था कि सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल। तो फिर वहाँ पे मैं लगभग 4 साल रहा, 4 साल मैंने अपना बहुत कुछ वहाँ से सीखा मैंने, और वहाँ का जो सीखा हुआ है वो आज मैंने पूजा पे लगाया है। और पूजा पे मैंने लगाया इस तरह है कि आज जब अभी पिछले नवंबर में अमिताभ बच्चन सर हैं, जो उन्होंने जब सारी बॉलीवुड बड़े बड़े हस्तियाँ थी वहाँ पे, सब खड़े हो गए इसके लिए तालियां बजा रहे थे, तब वो मेरे लिए था कि मैंने कुछ किया है, अगर मैंने ज़िंदगी में अगर जी है तो कुछ किया भी है, ठीक है। तो जब ये 3 साल की थी, छोटी थी, तब उसने मैंने कहा जब ये इसने बताया कि जब मैं आता था घर पे तो ये खेलने के मतलब मेरे पीछे पीछे ये खेलने मतलब जाती थी, तो अभी इसका मतलब बच्चों का एक चीज़ सबसे बड़ा ये चीज़ होता है कि बच्चे हम कहते हैं कि ये कर ये नहीं करेंगे, बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, बच्चे सुनते नहीं, बच्चे देखते हैं, बिल्कुल। तो जैसे मैं मतलब भागता था, ये मेरे पीछे भागती थी, तो फिर मैंने उसको एक माइंड में आ जाता है कि अगर एक बच्ची है, छोटी बच्ची, वो मेरे पीछे भाग रही है, हम 3 साल की बच्ची में कोई भविष्य नहीं देखता किसी का, बिल्कुल, और अपनी ज़िंदगी कोई ख़राब नहीं करना चाहता, खुद की बेटी एक मान लेते हैं हम एक बार कि अपनी बेटी के अलावा कोई दूसरी बेटी को अब इतना हक भी नहीं है कि वो ये सब कुछ कराए अपनी भांजी को, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस बात का शुक्रिया करना चाहता हूँ इसके माता पिता को कि इन्होंने पूरा बचपन ही मेरे पास ही गुजरा है इसका, ठीक है, तो उसकी हर एक चीज़ मुझे पता कि ये क्या करती है क्या नहीं करती है। तो जैसे वो उन्होंने मेरे पास छोड़ दिया, इसकी माँ का दूध नहीं पिया इसने अभी तक, माँ का दूध नहीं पिए हुए जो लड़की दिल्ली की मैराथन में, लोग ये बोलते हैं कि शेर है, मतलब आने वाला फ्यूचर है जो इंडिया का ये है, और मिल्खा सिंह जो उनका भी सपना था कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीते, वो चूक गए थे थोड़ा कुछ, उन्होंने बोला कि इस बेटी की आंखों में मुझे वो रोशनी दिख रही है कि मेरा सपना ये बेटी पूरा करेगी। बहुत खूब। तो ऐसी बातें सुनकर अब कैप्टन विराट कोहली की बात करता हूँ मैं, अगर ठीक है, तो जब मदद की बात आती है जी,
तो पूजा के मदद के लिए भी मुझे, क्योंकि मेरे पास भी, हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, फैमिली से हैं, और विष्णु ही कभी गरीब नहीं होता, वो हमेशा मिडिल क्लास फैमिली से ही होता है। वो गरीब कब बन, वो बन सकता है जब वो कुछ नहीं करेगा तो वो गरीब बनेगा, पर वो जन्म लेता तो मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेता है, उसको ऊपर जाने के लिए वो मेहनत करेगा तो ऊपर जाएगा, अगर मेहनत नहीं करेगा तो नीचे जाएगा। और उसके बाद बात आती है कि खान पान की। खान पान हम कहते हैं कि हमारी समाज में विष्णु को जो होता है वो खान पान में तो बहुत ही मतलब उसके घर में हर चीज़ मिल जाती है। और खान पान के बाद जब चीज़ आती है कि वो बच्ची को डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है जी, हम मतलब अच्छे उसको डॉक्टर्स के पास चेकअप की भी कराने जरूरत होती है, और डाइट तभी बनती है, उसका बॉडी का पूरा चेकअप होता है, ब्लड टेस्ट होता है, उसमें बॉडी बच्ची की बॉडी में क्या कमी है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठीक है। तो मैं अकेला नहीं हूँ इसके पीछे, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। अब विराट कोहली सर का अगर हमारे ऊपर हाथ आया है, ठीक है, तो मतलब पहले इसका सिलेक्शन हुआ था जब विराट कोहली फाउंडेशन में, तब मेरे पास मेल आई थी, तो मेरे मामा जी हैं वो, उनको मैंने बताया कि मेरे पास मेल आया है विराट कोहली सर का, तो मुझे तो नहीं लगता ये झूठा है, किसी दोस्त ने मुझे भेजा था। और फिर उनका फ़ोन आया कि आपका टिकट आ गया है फ्लाइट का। तो अब हम तो मतलब सड़क पे घूमे हुए लोग हैं, पैदल चले हुए लोग हैं, बिल्कुल ठीक है, तो हमें अगर फ्लाइट का टिकट आया तो भी विश्वास नहीं हुआ, ठीक है। फिर वहाँ पे गए, ठीक है, तब विराट कोहली सर ने हमें एक चीज़, उन्होंने ये कहा कि देखो आप 14 लड़कों को हमने लिया है फाउंडेशन में, विराट कोहली फाउंडेशन में, उसमें से 13 हैं जो सारे ओलंपिक पार्टिसिपेट हैं, और वो सारे हैं जो 16 से ऊपर के एज के हैं, एक पूजा ही हैं जो 7 साल की है जी। तो ये चीज़ें उनके मैनेजर से, वो मुझे ये चीज़ हमेशा वही कहते हैं ये कि अगर ये बच्ची 3-4 साल टिकी रही तो दुनिया में एक ब्रांड बनेगा, और मैं चाहता हूँ कि विष्णोई समाज का भी एक ब्रांड बने पूजा के नाम से। और जो हमारे युवा हैं, युवा अगर जैसे खेल में हर, और विष्णोई समाज के अंदर एक ब्लड में एक ये चीज़ होता है कि डर नहीं होता उनके खून में, बिल्कुल, अगर खेल के अंदर मैदान में जाते हो अगर आपके डर होता है तो आप 50% मैच वहाँ पे हार जाते हो, बिल्कुल, और अगर डर इस खून में नहीं है तो 50% मैच आप मैच में जाते ही कदम रखते ही वहाँ जीत जाते हो, फिर आपका 50% मेहनत दिखती है और वो मेहनत आपको जिताती है, बिल्कुल। बहुत खूब, आपके मामा जी श्रीमान कमरा राम जी वे भी हमारे बीच है, मैं निवेदन करूंगा कि आप भी कृपया मंच पर आए। ये जैसा कि आपने बताया श्रवण जी कि जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो बहुत से लोगों का उसके पीछे एक योगदान रहता है, परिवार, समाज, ये सब परिस्थितियां मिलकर और एक सफल व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण करती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी आपके इस इंटरव्यू को देखकर जो बच्चे इससे प्रेरित होंगे या जो बच्चे इस स्पोर्ट्स में या एथलेटिक्स में आगे आना चाहते हैं तो आप क्या संभावनाएं देखते हैं, और उनके जो परिवारजन हैं, उनके जो गार्जियन हैं, माता पिता है, उनको बच्चों में ऐसा, आप क्योंकि एक कोच है तो आप उन चीज़ों को बखूबी जानते हैं कि अपने बच्चों में ऐसा क्या उनको देखना चाहिए कि जिससे वो ये डिसाइड कर सके कि हमें अपने बच्चे को स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाना है या एजुकेशन में ही किसी अदर फील्ड की तरफ लेकर जाना चाहता है। अगर स्पोर्ट्स की बात आए समाज के बच्चों के लिए, मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि उनको फ़ोन से दूर रखिए, बिल्कुल। कोई भी अगर छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो वो रोता है आज के ज़माने में, ठीक है, पहले तो हम पहले के जो लोग थे वो उसको जो रोता था तो खेत में काम करने जाते थे, तो वो कैसी भी परिस्थिति में उस बच्चे को छोड़ के चले जाते थे, वहाँ बच्चा स्ट्रांग होता है, ठीक है। आज के ज़माने में फ़ोन है, अगर बच्चा रोता है तो हम उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो फ़ोन, वो फ़ोन लेगा तब चुप हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने बच्चों को फ़ोन से दूर हटा दीजिए, ठीक है। फिर बात आती है खेल की, खेल में जो छोटे बच्चे हैं समाज के, उसके लिए सबसे पहले समाज में एक खेल की एकेडमी की ज़रूरत है। जैसे अभी हरियाणा में मैंने सुना है कि कुलदीप जी विश्नोई साहब ने एक एकेडमी खोली है आदमपुर में जी। तो वैसी की वैसी यहाँ भी खुलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना, अगर कोई बंदा आर्मी की भी तैयारी करता है, ठीक है, तो यहाँ की मिट्टी उसको, क्योंकि ऐसी मिट्टी कहीं नहीं मिलती है आपको, जमैका है, चाइना है,
वहाँ के इलाकों में ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तब वो टॉप लेवल पे होता है, ओलंपिक की मेडलिस्ट की टॉप लिस्ट पे होते हैं कि चाइना सबसे टॉप पे चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे दौरे भी नहीं होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक मुकाम के यहाँ पे भी एक खेल की एकेडमी हो, ठीक है, वहाँ पे लड़कों और लड़कियों की दोनों की अलग अलग हो। दूसरी बात यह है कि आजकल क्रिकेट को बहुत ही ज़्यादा तजुर्बा दिया जा रहा है हर जगह, तो मैं चाहता हूँ कि समाज, विश्नोई समाज की 50 लड़कियों की क्रिकेट की टीम बने। बिल्कुल, उन 50 में से मुझे पूरा यकीन है कि इस खून में इतना दम है कि 15 तो इंडिया की टीम में होगी। बहुत खूब। तो अगर 15 इंडिया की टीम में होगी, मतलब दर्जनों भर खिलाड़ी हम इस समाज से निकाल सकते हैं, क्योंकि डर नहीं है। मेन चीज आपको मेहनत करनी है वहाँ पे, और मेहनत अगर बंदा करता है और अगर फिटनेस भी करता है, तो नशे से ये समाज बिल्कुल दूर चला जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। खेल की दुनिया में ये दुनिया इतनी, मतलब हम जो सोचते हैं, अब मैं इस दुनिया में हूँ मुझे पता है, ठीक है, लोग शुरुआत में बच्ची को आप बाहर निकालते हो तो हज़ारों लोग आपको बोलेंगे ये मत कर, ये मत कर। ये मेरे साथ भी हुआ है कि एक छोटी बच्ची का ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहा। तो आज वही लोग बोलते हैं कि यार हम पूजा के गांव से हैं, पूजा हमारी बेटी है, हमारी बहन है। तो वो चीज़ आप मेहनत करके ही कर सकते हो, ठीक है। और कोई ये नहीं सोच सकता अपना भविष्य, की 3 साल की बच्ची के पीछे अपना भविष्य सोच सकता है। वो मैंने सोचा है, सब कुछ छोड़ा है, अपना एजुकेशन सब कुछ। बिल्कुल, जैसे कि पूजा बेटी को विराट कोहली फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो ये जो फाउंडेशन है इस टाइप के, तो जो युवा अभी हैं गेम्स में, वो इनकी सहायताएं किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? उनकी सहायता के लिए तो, उनके लिए तो बहुत, मतलब ओलंपिक लेवल के वो बैठते हैं वहाँ पे सिलेक्शन के लिए, वो देख लेते हैं कि ये प्रतिभा कितनी आगे जाएगी, ठीक है। तो वो उनका अलग दायरा होता है सिलेक्शन करने का, ठीक है। वो मतलब ऐसे नहीं है कि ट्रायल लेते हैं, वो खिलाड़ी को देख लेता है कि ये खिलाड़ी बहुत आगे जाएगी। और 6 पैक्स हैं इसके, सबसे बड़ा जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो 6 पैक कोर एक्सरसाइज, ठीक है। अगर बच्ची की कोर में 6 पैक इतनी छोटी उम्र में अगर वो है, आज की जो लड़कियां बनाती हैं बॉडी बिल्डिंग में आती हैं, वो लड़कियां वो कुछ ऐसे प्रोटीन लेके वो बनाती हैं, पर वो टिकते नहीं हैं इतने। आज इसकी इतनी कोर मजबूत है, ठीक है। तो आज ये कोई भी गेम करे, आज ये वो क्रिकेट की बॉलिंग भी डालती हैं अभी साथ में। विराट कोहली सर ने बोला कि क्रिकेट की बॉलिंग भी डलाया करो, तो अभी 7-8 महीनों में इतनी तेज़ बॉल डालने लग गई कि अभी अंडर 21 में अपने जयपुर में, तो वहाँ सब लोग देखने लग गए इतनी तेज़ से बॉल डाल रही है। और उसके इंस्टाग्राम है इसका बनाया हुआ है, तो वहाँ से लोग, मेरे पास इतने समाज के बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं बच्चों के इतने, पर वो क्या कि हर किसी को, मतलब वो हम एक्सप्लेन पूरी हर चीज़ वो आते हैं हम कभी उसके वीडियो देख कर। बहुत सारे लोग, हिंदुस्तान के लड़के आज खेल खेलना शुरू किया है उन बच्चों ने, कि वो पूजा खेल रही है तुम भी खेलो। तो बस मैं समाज में यही कहना चाहता हूँ कि आप लड़कियों को कमज़ोर मत समझिए। मैं तो इसको लड़की समझता ही नहीं हूँ, मैं लड़का आई है तो हमारा। बिल्कुल। और आज जब भी ये किसी भी टूर्नामेंट में गई है, लड़कों को पिछाड़ा है इसने। और दौड़ में लड़कों को पछाड़ना वो तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं इसका मामा और इसका कोच भी हूँ। इसके साथ साथ इसका छोटा वाला भाई है, वो मुझे मतलब ऐसा लगता भी नहीं है कि सच में मैं ये दुनिया अभी ये हकीकत है मेरे साथ चल रहा है अभी, जो पर ऊपर वाला है जम्बेश्वर भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। बिल्कुल। और आप सबका प्यार है, तो इस प्रकार से हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और एक दिन देश के लिए ओलंपिक में हम मेडल लेके आएंगे। और आप लोगों का प्यार इस बच्ची के लिए मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पे अगर आप देखते हो तो अच्छी चीज़ देखिए, उससे कुछ सीखने को मिलता है, ज़रूर मिलता है। और मैं यहाँ के सब युवा लड़कों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर खेल चुलते हो तो आप अगर कहीं हार भी जाते हो, ठीक है, तो आपके लिए इंडियन आर्मी तैयार है। और इंडियन आर्मी के लिए मैं मानता हूँ, अगर इंडियन आर्मी के लिए कोई ऐसा कोई एकेडमी बनाए हमारा समाज, तो दर्जन भर हमारे समाज के लड़के इंडियन आर्मी में होते हैं। और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होती है कि एक ही बार में 1000 लड़के सिलेक्शन हो गए इंडियन आर्मी में, तो ये भी बड़ी बात होती है। और खेल इंडियन आर्मी के जो बच्चे आते हैं ना वहाँ पे, वही असली खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि वो 300 लोगों के साथ फाइट करते हैं, वहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें
आज समाज, अगर खेल के प्रति समाज, अभी हाल ही में रवि विश्नोई हैं तो वो इंडिया में नाम रोशन कर रहा है, वो ठीक है विकेट ले रहा है। हमें गर्व होता है कि हमारा कोई लड़का, अकेला लड़का पूरे बांग्लादेश को डरा रहा है और पाकिस्तान जैसी टीमों के साथ वो खेल रहा है, ठीक है, तो वो एक गर्व होता है। और वो जल्दी मैं भगवान से भी दुआ करता हूँ कि वो इंडिया टीम में खेले। तो ऐसी प्रतिभा है समाज में, बहुत प्रतिभा है, पर इसको निकालने के लिए एक एकेडमी की मैं यहाँ पे जो भी हैं तो उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर एकेडमी समाज विश्व समाज में हो जाती है, स्पोर्ट्स की तीन चार ब्रांच जैसे पढ़ाई की होते हैं वैसे अगर हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या में इंडिया का टी शर्ट पहने हुए लड़के दिखेंगे मुझे। बहुत खूब। जैसा कि श्रवण जी ने बताया रवि बिश्नोई के बारे में, रवि बिश्नोई की प्रतिभा को भी ये मंच सम्मान ज्ञापित करता है। और आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि रवि बिश्नोई का भी इस कार्यक्रम में आने का प्लान था, लेकिन वो कुछ अपरिहार्य कारणों से वो स्थगित हो गया उनका आना, वरना रवि बिश्नोई भी इस कार्यक्रम में पहुँच रहे थे। वो हमारे साथ ही थे, उनका आज मैच है फाइनल कोई। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रीमान कमरा राम जी आप भी यहाँ पर है, अंतिम रूप से इस बच्ची के बारे में पारिवारिक स्तर पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो। देखिए काफ़ी बातें इस बच्ची की और इसकी यहाँ तक के जर्नी की सरवण ने आपके सामने खुलासा कर दिया है जी, लेकिन जिस समर्पित भाव से सरवण ने इसके पीछे जो मेहनत की है वो हम सब के एक्नोलेजमेंट में है। और उस वैसे उदाहरण हमें कम मिलते हैं, कई मूवीज़ वगैरह में हमने देखा है जी कि जैसे वो दंगल फिल्म बनी थी, तो ये रियल स्टोरी अपने सामने है। और इसने अपना सब कुछ कैरियर वगैरह और जो जो सामाजिक जो आपने बताया कि क्वेश्चन मार्क है या इसके बैड थिंग्स है या लोग टीका टिप्पणी भी करते थे इसके यहाँ तक पहुँचने से पहले भी कि भाई ये क्यों कर रहा है ऐसा, इसको घर वालों को भी जरूरत है, इसकी तीन बहनें हैं, इसका एक छोटा इसका बड़ा भाई है वो डिफेंडम है जी। और उन परिस्थितियों में मतलब पिताजी की एक आय पे सर्वाइव करना सब कुछ था। और बच्ची के लिए स्पोर्ट्स में आप पढ़ाई के क्षेत्र में तो हजार तरह की अपॉर्चुनिटी होती है, स्पोर्ट्स में अगर आदमी पिछड़ जाता है या वो अपने उस मन मुताबिक रिजल्ट नहीं ला पाता है तो फिर संभावनाएं बहुत कम रहती है। तो उतना रिस्क और दांव लगा करके इसने अपना कैरियर दांव पे लगा कर जिस तरह की मेहनत और शिद्दत से मेहनत की है तो उसी का परिणाम है कि आज हम विराट कोहली फाउंडेशन में बच्ची को दाखिला दिला पाए हैं। उसके लिए क्योंकि अब ये जो ओलंपिक का सपना है वो सपना देखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए उस स्तर का जो उसकी प्रिपरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना ये सब कुछ होना, तो अब विराट कोहली फाउंडेशन का हाथ आने पे क्या है कि वो हमारे लिए वो आशंकाएँ नहीं रही है और अब ये मंजिल अब वो जो सपना है वो धुंधला नहीं रहा है। तो इसमें मतलब जो इससे पहले की जो मेहनत है वो सरवण की है, उसके अलावा मैंने भी जो भी है इसको जज समय समय पर राय दी है, जो भी गाइड करना है जो सपोर्ट रखनी है, तो जो इसने सुझाव दिया कि जैसे सेंट्रलाइज्ड तौर पे अगर समाज में खेलकूद के लिए कोई प्रतिभाओं का डेवलपमेंट हो तो क्योंकि समाज अपने जेनेटिक कुछ ऐसे गुण है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है जी। तो ऐसा कुछ संभव हो तो सरवण है या और भी जो भी अगर स्पोर्ट्स में जैसे किरण बहन किरण गोदारा है, कृपा शंकर जी है, हाँ। ये लोग मतलब एज ए कम्युनिटी के तौर पे उनको गाइडलाइन करेंगे या जो भी सपोर्ट रहेगी वो करेंगे। रवि बिश्नोई भी एक बहुत बड़ी प्रतिभा अपने समाज में अभी बीच में उभर के आई है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगा अपने समाज के लिए। धन्यवाद। बहुत खूब। ये एक परिवर्तन है और युग के हिसाब से बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन है। हमारा वही समाज है जो जिस समाज के अंदर मामा अक्सर अपने भांजे या भांजी को टाटा 2515 या अशोका लीलैंड 4923 का स्टेयरिंग बहुत जल्दी थमा देते हैं, लेकिन एक ये भी मामा है जिन्होंने अपनी भांजी को उस मार्ग पर लेके गए हैं कि वो विश्व के अंदर समाज का नाम रोशन कर सके।